वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर ऑक्टोपस और क्या नाम है उसका रेड स्कल का यूनिफॉर्म गेम प्ले करके दिखाऊंगा और आपको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जिसको ज़रूरत है वो लो एंड जिसको ज़रूरत नहीं है वो थोड़ा सा अभी थोड़ा छोड़ सकते हो कुछ दिन के लिए, उसके बाद में जो यूनिफॉर्म सेल आएगा तब ज़रूरत पड़ने पर ले लेना। तो यहाँ पर मैं क्लियर क्लियर बोल देता हूँ साफ साफ, जिसको ज़रूरत है वो लेगा और जिसको इम्पोर्टेंट नहीं है वो इसको छोड़ सकता है। तो रेड स्कल का हम लोग गेम प्ले देखेंगे, तो इसको मैं कहाँ ले जाऊँगा पता नहीं, लेकिन मुझे इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है क्योंकि इसके ऑब्लिस में कुछ है नहीं, गार्ड भी कम्युनिटी मैंने डाल रखा है सिर्फ, इसके अलावा बाकी कुछ है नहीं, तो मुझे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, इसको कम्बाइन करना पड़ेगा। सोच रहा हूँ कुछ और ही दे दूँ, तो यहाँ पर देखता हूँ इसको ऑब्लिस को कंबाइन करके देखता हूँ, अगर कुछ आ गया अच्छा तो अच्छा है, वरना फिर रेड स्कल बच्चा है। चलो रिकवरी आ गया, मूवमेंट स्पीड डाउन, लक अच्छा था तो आ गया, इसके जगह पे दूसरा कुछ चाहिए था लेकिन चलो ठीक है काम चला लेंगे। तो इसके जगह पे देखते क्या आता है, उम्मीद करता हूँ डैमेज प्रॉक आ जाए, वैसे मेरे पास एपोकलिप्स है इसलिए कुछ तकनीकी समस्या नहीं होने वाली, लेकिन ठीक है देखना पड़ेगा अभी। ना भाई ये भी चेंज करना पड़ेगा, उर तुरी लाइटनिंग डैमेज 200% का डैमेज प्रॉक है, भगवान आया भी तो किधर आया, आया भी तो किधर आया। अरे ये ऑब्लिस ने थॉर के काम आता था, अरे यार ऐसा लक होता है मेरा, कभी आता है कभी नहीं आता, अब आ गया तो ऐसी जगह पे आया जहाँ पे मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता। चलो ठीक है देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस के इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें डाली रखी है, उस हिसाब से फिर देखना पड़ेगा। शॉक डैमेज है तो मेगा से लाइटनिंग डैमेज यहाँ पर काम कर जाएगा, लाइटनिंग रेसिस डिक्रेस माइंड रेसिस 30% इंक्रेस ऑल अटैक ऑल डिफेंस, और ठीक है देखते हैं अभी एक बार रेड स्कल को अपग्रेड करके देख लेते हैं रेड स्कल का कुछ होता है क्या। मेरे को मालूम है ये नहीं होने वाला, ये एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार करके। इनविंसिबल 4 सेकंड का, चलो ठीक है देख लेते अब ये भी एडजस्ट करके देख लेते। ठीक है तो अब देखते हैं यहाँ पर ट्राई करके इसको होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर ठीक तरीके से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत जा रही है कुछ कुछ जगह पे।
सुपर विलन है और सुपर विलन स्पीड है, तो स्पीड में तो कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन सुपर विलन में देखते हैं अभी क्या करता ही है। ब्लास्ट और स्पीड, यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर देखना पड़ेगा जो ब्लास्ट कैटेगरी वाले को थोड़ा पावर अप करे और पावर भी शेयर करे। अब यहाँ पर तो मोडॉक है, उसके बाद में एंटी मैन है। अब सुपर विलन टाइप डैमेज भी देखना पड़ेगा। अब यूनिवर्सल में सुपर विलन में इबुनी मॉ मिल जाएगा, जिसके पास में डैमेज है ये बंदा दे देगा, और कोलोसस है। ठीक है, अभी इबुनी माओ से काम चला लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। एक इसमें इनविंसिबल आ गया, एक इसमें डैमेज प्रॉक आ गया। अभी लक के ऊपर डिपेंड है कि हमारे इसमें हाथ में क्या आएगा। अब वो लक अच्छा था, 200% का डैमेज प्रॉक आ गया। अच्छा खेल रहा है, बुरा नहीं है। चलो यहाँ पर रिवॉर्ड क्या मिला, 25 ये और गोल्ड, क्लियर टिकट, नौ स्टोन और डिमेंशन डिब्रिस, और यहाँ पर स्कोर। यहाँ पे और ज़्यादा क्रिस्टल ऐड करने चाहिए थे लेवल वाइज, जैसे एग्जांपल 1 मिलियन क्या है, 4 मिलियन क्या, 3 मिलियन क्या, तो उतना क्रिस्टल मिलेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट इमेजिन करना है, इमेजिन में जी लो क्या करना है, वर्चुअल दुनिया में तो खेल रहे हैं, तो इमेजिन करने के लिए अगर 3 मिलियन कोई क्रॉस करता है अलायंस बैटल एक्सट्रीम मोड का जो स्कोर है, वो अगर 3 मिलियन के पास कोई स्कोर करता है, तो उसको 50 क्रिस्टल या 100 क्रिस्टल देना चाहिए था पर डे पर स्कोर, और वन टाइम जैसे 3 मिलियन क्रॉस कर गया
तो एक बार रिवॉर्ड मिल गया, उसके बाद में अगर वो दोबारा कोशिश करता है गोल्ड यूज़ करके तो उसको दोबारा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिस्टम ऐड करना चाहिए था, अगर हो गया होता तो शायद ज़्यादा क्रशर मिले होते प्लेयर्स को, तो प्लेयर्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया रहता अलायंस बैटल एक्सट्रीम मोड में और ज़्यादा प्ले करने का, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी सभी स्टेजेस में कुछ ना कुछ लालच दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल वर्ल्ड वॉर सर्टिफिकेट में प्रीमियम कार्ड का, बूटी बॉक्स का, सीसीएफ का, ये सब चीज़ें डाली हुई है लालच देने के लिए, सीटीपी का वगैरह वगैरह। तो बाकी स्टेजेस में भी इसमें भी डालना चाहिए था, बाकी स्टेजेस के जैसे यहाँ पर भी क्रिस्टल डालना चाहिए था 150 के आसपास, और जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर है उसको तो MVP रिवार्ड दिखाते हैं लेकिन देता कुछ नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। अब डॉक्टर ऑक्टोपस का देख लेते हैं ये क्या उखाड़ता है। तो यहाँ पर मेरे पास इसके लिए कुछ है नहीं, लेकिन ये कैरेक्टर है जो इसको, ये तो सिनिस्टर सिक्स को देगा ना, उम्मीद करता हूँ ये भी सिनिस्टर सिक्स में ही होगा, जाके देख लेते एक बार, चेकआउट कर लेते। तो इलेक्ट्रो लेता हूँ मैं, और इलेक्ट्रो के साथ क्या कर सकता हूँ देखता हूँ, कहाँ गया 4-स्टार का इलेक्ट्रो। थर्टी फोर% इंक्रीज ऑल अटैक ऑल डिफेंस है, और स्पीड है 10% का, ठीक है। तो अब जाके देखते हैं डॉक्टर बस के साथ इसका टीम अप होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर टीम अप का बटन है, मैं इधर साइड में ले लेता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ में है या नहीं। अरे तेरे को मार्वल यूनिवर्स में किसने जाने को बोला रे? इलेक्ट्रो के साथ में आ रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर सैंडमैन भी आ रहा है, ठीक है। देखते ट्राई करके क्या होता है इसका, मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर डाल के देख लेता हूँ। ये रहा इलेक्ट्रो, और इसके साथ में डाल दूँगा डॉक्टर ऑक्टोपस को, कहाँ गया वो, ये रहा ये गया। और साइड में कोई एक और दे देता हूँ, कोई सपोर्ट टाइप का, विलन टाइप का, वल्चर कहाँ है वल्चर, ये रहा वल्चर। इसका 80 के आ रहा है 15,000 के आसपास, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है, 13,000 यानी बढ़ रहा है। नेट मार्बल के माँ की,
तो फाइनली हुआ, यहाँ पे कुछ कुछ सेट कर देता हूँ और देखता हूँ ट्राई करके होता है कि नहीं होता है। तो इस बार फिजिकल अटैक के ऊपर में पिछले बार बना के रख दिया था, तो वही वाले सेट करने वाला हूँ। ज़्यादा कुछ देने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं है, कोई ना कोई नया कैरेक्टर आ ही जाता है बीच में अपडेट में। सोलह हज़ार एटी के दिखा रहा है, ठीक है आईसेट में चेंज करके देखते हैं। आईसेट में थोड़ा अच्छे वाला आईसेट देता हूँ अभी। तो इसका 17,080 के हो गया है, चलो ठीक है बेसिक लेवल पे चल जाएगा, लेकिन अपग्रेड और ज़्यादा करना पड़ेगा अगर और ज़्यादा स्कोर चाहिए तो।
ठीक है, अच्छा है, उतना बुरा नहीं है, अच्छा है, ठीक ठाक है, कम से कम बेसिक स्कोर कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है, तो ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा यूनिफॉर्म लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, सुपर विलन स्पीड टाइप कैटेगरी में तो उससे बेटर कैरेक्टर शायद मिलेगा ही नहीं, और मिल भी गया तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो ठीक है कैरेक्टर वैसे देखा जाए तो। सत्रह हज़ार 208 एटीक है, डेटास निकालूंगा तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपको कमी दिखेंगी, जैसे स्किल कूलडाउन ड्यूरेशन कम लगेगा, क्रिटिकल डैमेज कम लगेगा, क्रिटिकल रेट 41 तक है, अटैक स्पीड 130 या फुल फुल है, और इग्नोर डिफेंस 44, और लाइटनिंग डैमेज 29.161%। गलत जगह आ गया है ऑब्लिक्स, लेकिन चल जाएगा, मैं इसको रहने देता हूँ, कभी चेंज नहीं करूँगा। चेन ही डैमेज 10% का, बेन अटैकिंग और गारंटेड डॉज रेट 20% का, और स्किल्स में भी ठीक है, वैसे आई फ्रेम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है इसने, और स्किल नंबर 6 ओपन करने में तकरीबन 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि हलवा नहीं है किसी भी कैरेक्टर का पोटेंशियल करना, तो टाइम लगेगा 2 महीने का। और इनमें से जो स्लॉट है, जो कुछ कुछ खाली है, वहाँ पे एचपी या इग्नोर डिफेंस, या सॉरी इग्नोर डिफेंस नहीं, क्या बोलने वाला था मैं भूल गया, हाँ इग्नोर डिफेंस अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, हो जाता है तो इग्नोर डिफेंस वाले दे सकते हो, और बाकी की चीज़ें तुमको पता है, क्रिटिकल डैमेज, मैक्सिमम एचपी, फिजिकल अटैक, ये बेसिक तो देना ही है, हर स्लॉट में दो, हर स्लॉट में दो करके दिखा दिया, प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। अब भाई बोलना कि आपने दिखाया नहीं वगैरह वगैरह वगैरह, बहाने मत बनाना, चुपचाप वीडियो देखो। ये ऐसे नहीं मानेगा, नेट मार्बल की माँ की, गाली देके भी नहीं मानेगा ये, इसको ऐसे ही देता हूँ, नेट मार्बल की ऐसी की तैसी। नेट मार्बल की ऐसी की तैसी, गाली दो और सेट कर लो। चलो अब यहाँ पर भी इसका भी देखना पड़ेगा कौन सा अटैक कर रहा है, सारे के सारे स्किल्स चेक करना पड़ेगा, फिजिकल अटैक है, फिजिकल अटैक है, फिजिकल अटैक है, उसके बाद में यहाँ पर फिजिकल अटैक है, और यहाँ पर भी, एक मिनट क्या चीज़ है, स्किल 5, स्किल 4, स्किल 3, ठीक है, मैक्सिमम इसमें सभी तरफ स्किल फिजिकल अटैक किया, तो इसको देते हैं अभी, सबसे पहले इन्वेंटरी में जाके कचरा साफ करता हूँ, बहुत देर से देख रहा हूँ कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, सिलेक्ट ऑल, सीसीएफ सिलेक्ट नहीं करना, गलती से सीसीएफ सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, रिपीट,
अरे शिट, इसको बोलते जल्दबाजी। चलो बेसिक बेसिक सेट कर दिया, और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे मैक्सिमम एचपी सेट कर देना। जैसे एक एग्जांपल ये मैंने करके दिखाया, ये एक और कहाँ गया वो मैक्सिमम एचपी वाला, ऊपर ही है ये है पागल। इसका भी सेम वैसे ही एटी के बढ़ाना है, जैसे इसका डॉक्टर ऑक्टोपस का बढ़ाया था सेम वैसे ही। थोड़ा ऑब्लिस खराब है जानता हूँ, लेकिन हम बाद में चेंज कर लेंगे जैसे आएगा वैसा। फिलहाल तो ऑब्लिस का नहीं है, इन्वर्टर में जाके चेक करूँगा। तो
चलो अब ढेर सारे हो गए, अब इसको कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गार्ड बे कम्युनिटी वाले ढूंढते हैं, उसको लॉक करते हैं, उसको सेफ करते हैं, उसके बाद में फिर इरेस करना चालू। वेव वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत है बहुत है। चलो इसको दे दिया डैमेज प्रॉक, और ये रहेगा अभी कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद में फिर फुस। कुछ दिन के मेहमान है, ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ लगा चेस का थैंक यू, आपने अपग्रेड भी देख लिया, कैरेक्टर का ग्रोथ भी देख लिया, कैसे करना है वो भी देख लिया, स्टेप बाय स्टेप कहाँ से मैंने ऑब्लिस्क लाया, कितने सारे लाया और कितने सारे पड़े हैं और कितने सारे कंबाइन करूँगा वो भी देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब।